हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से प्याज पराठा। ये पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, अब इसमें हम 1.5 कप गेहूं का आटा डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा लेंगे, जैसा हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह का आटा लगा लेंगे। इसे हम ढक देंगे, ढक कर इसे हम 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। फिर से हम एक बाउल लेंगे, अब इसमें हम 4 बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई टमाटर डाल देंगे, थोड़ा सा बारीक कटी हुई धनिया पत्ता डाल देंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें से हम थोड़ा सा आटा लेंगे, अब इसे हम हथेली की मदद से गोल कर लेंगे, फिर इसे हम सूखे आटों से कोट कर लेंगे। अब इसे हम हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं इसी तरह का बेल लेंगे। इसके ऊपर हम 2 चम्मच स्टफिंग डाल देंगे, इसे हम पूरे रोटी में नहीं फैलाएंगे, इस तरह से हम थोड़ा दूरी से हम डाल देंगे। अब इसे हम इस तरह से मोड़ लेंगे। इसे हम इस तरह का बना लेंगे। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और हम तवा को गर्म होने देंगे। तो अब तवा गर्म हो चुका है, अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से घी को लगा लेंगे। अब हम पराठे को इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ी देर बाद इसे हम पलट लेंगे। थोड़ी देर हो चुका है, इसे अब हम पलट लेंगे। इस साइड से भी हम घी को इस तरह से लगा देंगे। अब हम दोनों साइड से उलटते पलटते इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसे अब हम एक प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह हम सारे को बना लेंगे। अब प्याज पराठा बनके रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।